क्योंकि ये एक अच्छे जो है क्या नाम सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और भाषा बहुत साफ सुथरी छवि वाले हैं और इन्होंने पब्लिक को जो समझा है, जो आजकल राजनीति में जो पूरे करप्ट हो रहे हैं, जो राजनीति करप्ट है और कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, उसके हिसाब से हमने इनको चुना है ताकि ये लोगों की जो समस्याओं को चुन सकें। जैसे कि अभी दिल्ली में केजरीवाल जी आए हैं, केजरीवाल का नारा कुछ था और कर कुछ रहे, तो इसीलिए मैंने सुना है कि जो क्या नाम ये जो पार्टी आई है राष्ट्रीय जनता संघर्ष पार्टी और ये साफ सुथरी छवि वाली है, अभी नहीं आई है, इसमें मिल करके मैं जो है जनता के हित के लिए मैं इसमें आया हूँ। तो जो पार्टी के उद्देश्य हैं वो क्या है? पार्टी के उद्देश्य हैं कि जो दलितों का उद्धार करना, बहुजन जो है, बहुजन जितना भी आदमी है, जितना 85% जो बहुजन में आता है, उनके उद्धार करना। जैसे कि उनकी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं उनको, भिन्न भिन्न समस्याएं, जैसे भी कोई भी दलित आता है तो उसकी समस्याओं से जो है वो चुन के जाता है और वो दूसरी पार्टी का हो जाता है, वो दलितों की समस्याओं को नहीं उठाता है, इसलिए हमें इस पार्टी को ज्वाइन करना पड़ा, इस पार्टी को हम उठा रहे हैं और इसमें जो है ये गरीबों की, दलितों की और बहुजनों की समस्याओं को ये अच्छे तरीके से उठा पाएगी, दलितों की जो बहुजन समाज का काम करेगी। अभी तक जितने भी जो है बहुजन के लोग जो गए हैं, दलित के जो लोग गए हैं चुन करके, वो उन्हीं पार्टी के हो जाते हैं, वो जनता की तरफ नहीं देखते, इसका ये उद्देश्य नहीं है, इनका उद्देश्य है सभी का काम करना। तो इसीलिए मैं इसके साथ में जुड़ा हूँ, इनके अच्छे विचार हैं, अच्छे इनकी वो है शैली, अच्छा इनका जो मोमेंट है, मैं इनको देख करके इसमें जुड़ा हूँ। हमारा ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है क्या नाम गरीबों के वोट से जीत आएंगे तो हम गरीबों को काम करने के लिए आएंगे, गरीबों का काम करेंगे, हम उन लोगों के दलालों के बीच में नहीं जाएंगे। जो है दिल्ली के अंदर ऐसा क्या काम है जो बहुजन समाज के लिए होना है, दलितों के लिए होना है? दिल्ली में तो बहुत सारा काम है, सारी दिल्ली में जितनी भी जय कॉलोनियां, गरीब बस्तियां, गरीब कॉलोनियां, उनके लिए लाइट है, पानी है, शिविर है, सड़कें हैं, झुग्गी झोपड़े हैं, उनको मकान की व्यवस्था, जो आज झुग्गियों में रह रहे हैं उनको मकान बना करके प्लानिंग के तहत उनको मकान देने हैं। दिल्ली के अंदर बहुत जो क्या नाम काम है, अगर पार्टी हमारी सत्ता में आती, हम दिल्ली का पूरा एक विकास बढ़िया से बढ़िया विकास करेंगे, जो है जो कि अब तक किसी ने भी नहीं किया है। हमारी पार्टी का गरीबों के साथ, गरीबों का हम काम करेंगे। मोदी ने तो जो क्या है कि नोटबंदी करके गरीबों की कमर तोड़ दी, GST लगा करके लोगों की कमर तोड़ दी, FDI ला करके कमर तोड़ दी, लोगों को बेरोजगार कर दिया, 2 करोड़ जो है नौकरी देने की बात की थी, आज तक 50,000 भी नौकरी नहीं दे पाए, जो नौकरी में रह रहे हैं उनको भी नौकरी से निकाल दिया गया है। तो हमारी पार्टी कल सत्ता में आकर के ऐसा नहीं करेगी, जो वादा करेगी वो काम करेगी, जमीन पर धरातल पर रह करके काम करेगी हमारी पार्टी, ये हमारा मानना है।